नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज लाइव की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। इस स्पेशल प्रोग्राम में हम आपको बताते हैं, दुनिया की खबरों से रूबरू भी कराते हैं। मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए देखते हैं आज का मामला। राजस्थान का सबसे चौंकाने वाला सामने आया है। राजस्थान की सबसे बड़ी चौंकाने वाली मर्डर मिस्ट्री, घर में पति की हत्या, 6 महीने तक नहीं मिली थी राश, ससुर ने पकड़ी कातिल बहू की करतूत। भरतपुर में एक कपल्स ने 7 साल हो गए थे शादी को, 6 साल का बेटा भी था और 4 साल की बेटी, खुशहाल जिंदगी थी। एक रात पति अचानक घर से गायब हो जाता है, परिवार हर जगह ढूंढता है लेकिन कहीं नहीं मिलता। पुलिस पत्नी पर शक जताती है और लेकिन ससुराल वाले कहते हैं हमारी बहू अच्छी है, उससे कोई भी पूछताछ नहीं करेगा और उसकी कोई भी पूछताछ नहीं होगी। 6 महीने के बाद एक रात बेटी की गुमशुदगी से बेचैन पिता घर में टहल रहा होता है, बहू के कमरे की लाइट चलती रही होती है और वो वही जाता है। वहाँ बहू का वो रूप सामने आता है जिसकी ससुर ने बुरे से बुरे सपने में भी उम्मीद नहीं की होगी। ससुर उसी वक्त पुलिस का फोन करता है, मेरे बेटे को बहू ने ही मारा है। पुलिस के लिए इस बात पर यकीन करना मुश्किल होता है। कई सवाल थे जो ससुर के आरोप को कमजोर कर रहे थे। 7 साल की शादी में कभी पति पत्नी के बीच किसी भी बात को लेकर कोई झगड़ा नहीं हुआ, तो हत्या किस वजह से हुई होगी? पत्नी के लिए घर में ही पति की हत्या कर लाश को गायब करना असंभव था। पत्नी ने अगर रात में घर में हत्या की तो परिवार के दूसरे सदस्य को भी पता कैसे नहीं चला? 6 महीने तक पति की लाश क्यों नहीं मिली? पुलिस की पूरी टीम ने मामले के सच जानने के लिए भरतपुर के नोहा गांव में पहुंची। राजस्थान के सबसे बड़ा चौंकाने वाला जो मर्डर केस है, उससे जुड़ी हर एक मिस्ट्री हम आपको बताएंगे। भरतपुर में रहने वाले पवन शर्मा की जून 2015 को कानपुर की रीमा की से शादी हुई थी। पवन सामान्य परिवार से है, 2 बहनें हैं, पिता हरिप्रसाद शर्मा किसान है। पवन दिल्ली में काम करता है। 4 साल तक पवन दिल्ली में था और रीमा गांव में ही थी। 2019 में पवन रीमा को अपने साथ दिल्ली ले गया। दिल्ली में पवन के गांव का भोगा भागुंद्र भी रहता था और शादीशुदा भागेंद्र लोन दिलाने के काम करता था। वहीं पर भागेंद्र और रीमा की मुलाकात हुई। धीरे धीरे मुलाकात नज़दीकियों में बढ़ गई। पवन काम पर जाता था तो रीमा भागेंद्र को बुलाकर दोनों साथ में घूमते थे। भागेंद्र उसे गिफ्ट भी लाकर देता था। इसी दौरान दोनों के बीच कई बार संबंध बने। 2021 में पवन ने दिल्ली का काम छोड़ दिया और रीमा के साथ वापस भरतपुर आ गया। ससुराल वालों को नींद की गोलियां खिलाकर बॉयफ्रेंड भरतपुर आने के बाद रीमा और भागेंद्र का मिलना बंद हो गया था। बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए रीमा ने साजिश रची। वो रात को पूरे परिवार को खाना, चाय, दूध में नींद की गोलियां मिलाकर देती थी। नींद की गोलियां का असर होने के बाद बॉयफ्रेंड को बुला लेती थी। जिस कमरे में पति सो रहा था वही वह दोनों मिलते थे। पवन की छोटी बहन ने बताया कि कई महीनों से रीमा मेडिकल स्टोर से नींद की गोलियां लाकर उसके भाई को खिला रही थी। भाई देर रात तक सोता रहता था। इसका भाई शराब भी पीता था। अक्सर रीमा ने उसे खुद ही कमरे में बैठकर शराब पिलाने लगी थी, इसलिए रात को भागेंद्र के आने पर पवन को कुछ भी पता नहीं लगता था। बहन को भी उसके हुआ था शक। पवन की छोटी बहन शादीशुदा है। उससे बताया कि जब वो गांव आती थी तो खुद भी काफ़ी देर तक सोती रहती थी। उसकी माँ उसे जगाती रहती थी लेकिन उठाती नहीं, जबकि ससुराल में ऐसा कुछ नहीं होता था। वो समय से ही उठना, समय से ही सब कुछ करना, ये बात उसे अपनी माँ को कई बार बताई थी लेकिन माँ ध्यान नहीं देती थी। पति बच्चों के लिए साइकिल से 700 किलोमीटर का सफ़र भी उसने तय किया। घर वालों ने बताया कि पवन रीमा से बहुत प्यार करता था। लॉकडाउन में रीमा कानपुर गई थी, तब पवन उसको 350 किलोमीटर साइकिल चलाकर लेने गया था। वहीं एक दिन रुककर पत्नी और दोनों बच्चों को साइकिल पर ही लेकर आए। भरतपुर से कानपुर का सफ़र साइकिल से तय करने और वापस आने में उसे 7 दिन लग गए थे। रीमा ने मैसेज किया तो 200 किलोमीटर बाइक चलाकर भरतपुर पहुँचा। भगेंद्र 29 मई को भगेंद्र और उसका दोस्त दीप शराब पार्टी कर रहे थे। उसके दौरान भागेंद्र और रीमा का मैसेज मिला, आज मिलने का मन कर रहा है, जल्दी आ जाओ। भागेंद्र भी कई दिनों से उससे मिलना चाहता था। भागेंद्र ने दीप को साथ चलने के लिए तैयार किया। भागेंद्र और दीप 200 किलोमीटर बाइक चलाकर भरतपुर आ गए।
भगेंद्र अंदर मकान में चला गया और दीप को बाहर से ही कुछ देर रुकने के लिए बोला। बेहोश पति के सामने कमरे में बनाए थे संबंध। भगेंद्र मकान में घुसता तो नींद की गोलियां के असर के कारण परिवार के सभी लोग सो रहे थे। वे सीधा और अब पवन के कमरे में चला गया। पवन बेहोशी के नींद में सो रहा था, उसी कमरे में रीमा और भगेंद्र ने संबंध भी बनाया। कितनी हैरान करने वाली बात है। इसी दौरान पवन की बेहोशी टूट गई। पत्नी को भगेंद्र के साथ आपत्तिजनक में हालत में देखकर आग बबूला हो गया। गुस्से में भगेंद्र को पकड़ लिया। रीमा ने पवन के पैरों को पकड़ के और धक्का देकर दूर गिरा दिया। भगेंद्र पवन को गला दबाने लगा और दीप को भी अंदर बुला लिया। तीनों ने मिलकर पवन का गला दबा कर मार डाला। 15 किलो का पत्थर बांध नहर में फेंक दिया था शव। हत्या के बाद अब भगेंद्र और रीमा लाश को चादर में लपेट कर रस्सी से बांध लिया, जिसके बाद एक बोरी में लाश डाल दी। पहले भगेंद्र और रीमा ने कमरे में बिखेरे खून को साफ किया। इसके बाद भगेंद्र और दीप बाइक पर शव रखकर उसी गाँव से 2 किलोमीटर दूर जनसान जंगल में नहर में पास ले गए। नहर में उसे वहां उसने बोरे में लाश के साथ 15 किलो का पत्थर बांधकर नहर में डाल दिया ताकि लाश पानी के ऊपर ना आए। दोनों रात करीब 1:30 बजे बाइक पर ही दिल्ली से के लिए रवाना हो गए। सुबह 8 बजे दोनों दिल्ली पहुंचे। 3 दिन बाद अब मैसेज इंसवरी आई और पवन और रीमा की 3 दिन के बाद ही अपनी मैरिज एनिवर्सरी भी थी। पवन ने अपनी मैरिज एनिवर्सरी के लिए बहन को भी गांव बुलाया था। हत्या के अगले ही दिन रीमा सुबह उठी और पवन की तलाश करने का नाटक करने लगी। सास ने कहा, पता नहीं आज कहां जल्दी चले गए। पवन के पिता हरि प्रसाद ने सोचा कि खेतों में गया होगा, आ जाएगा। दोपहर तक पवन नहीं आया तो वह गांव और खेतों में तलाशने लगे। उसका फोन भी बंद आ रहा था। परिवार सोचने लगा कि पवन कहीं गुस्से में नाराज होकर चले गया। हत्यारी पत्नी ने करवा चौथ का व्रत भी रखा। रीमा ने भगेंद्र को मैसेज कर दिया था कि कुछ दिनों तक फोन मत करना। कुछ दिनों के बाद परिवार सब शांत हो गया। हरिप्रसाद परेशान होकर बेटे को इधर उधर तलाश करने लगे। मर्डर के कुछ दिन बाद करवा चौथ आया। किसी को शक ना हो इसलिए उसने व्रत भी रखा। दीपावली भी मनाई। ससुर ने कहा, हमारी बहू पूरा विश्वास है पवन के फोन की लास्ट लोकेशन घर की ही आ रही है। ऐसे में मामले में जांच कर रहे चिकित्सा थाने में SI ने उसकी पत्नी पर शक जताना और अब पूछताछ करने की बात कही। तब हरि प्रसाद ने कहा कि उनकी बहू बहुत अच्छी है। पवन खट ने कहा कि उनकी बहू बहुत अच्छी है और पवन खुद ही वहां से चला गया। रीमा से कोई पूछताछ नहीं होगी, उन्होंने पूरा मामला विश्वास में रखा। 5 महीने तक जब पुलिस का कोई भी सुराग नहीं मिला तब रीमा और भगेंद्र दोनों बेफिक्र हो गए। रीमा को भरोसा हो गया था कि पवन की मौत का राज हमेशा राज ही रहेगा और उन्हें कोई नहीं पकड़ पाएगा। 16 अक्टूबर को जब रीमा ने फोन करके भगेंद्र को दिल्ली से गांव बुलाया, भगेंद्र रात को रीमा के ससुराल पहुंच गया। मौका पाकर वह रीमा के कमरे में चला गया। इधर पवन के पिता हरिप्रसाद लापता बेटे की चिंता में परेशान होकर टहल रहे थे। उन्होंने रीमा के कमरे की लाइट जलती हुई देखी। कमरे से आवाज भी आ रही थी। कमरे के पास गए तो देखा कि वह बुरे सपने से भी बुरा था। जिस बहू पर उन्होंने हद से ज्यादा विश्वास था वो किसी और के साथ आपत्तिजनक हालत में दिखी। उन्होंने कमरे की कुंडी लगा दी। हरिप्रसाद ने पुलिस को फोन किया और भगेंद्र के परिवार को बुलाया जो पड़ोसी में रहते थे। भगेंद्र ने धमकी दी कि तुझे भी मार डालूंगा। पुलिस के आने से पहले भगेंद्र का परिवार वहां पहुंचता है और झगड़ा करके उसे छुड़ा ले जाता है। भगेंद्र ने हरिप्रसाद को धमकी दी कि जैसा तेरे बेटे को मारा वैसा ही तुझे भी मार दूंगा, रीमा और मेरे बीच में मत आना। तब हरिप्रसाद का शक यकीन में बदल गया और उसने पुलिस को पूरी बात बता दी। पुलिस ने भगेंद्र के खिलाफ सबूत जुटाने के बाद भी इसी दौरान भगेंद्र दिल्ली चला गया और रीमा 28 अक्टूबर को कानपुर चली गई। 30 अक्टूबर को पवन की बहन गांव आई तो रीमा के कमरे की तलाशी ली। एक रजाई के खून लगा हुआ था और रजाई में खून लगा मिलने के बाद पुलिस को पूरा शक हो गया। घर वालों ने ये सबूत पुलिस को दिए। पुलिस ने रीमा का फोन कर बुलाया।
कानपुर से रीमा अपनी मां के साथ वापस आ गई। इधर पूछताछ ने भागेंद्र में पूछताछ के लिए दिल्ली से लाया गया। 6 घंटे की पूछताछ के बाद भागेंद्र ने सच उगल दिया। चिकित्सा एसएचओ विनोद अग्निना ने बताया कि 20 नवंबर को दोनों ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। शातिर रीमा कई देर तक पुलिस को गुमराह करने और बच्चे बोले मां भूतनी चुड़ैल बन गई। इसी बीच पवन के 2 बच्चे हैं। यह सब कहते हुए कि पवन के 2 बच्चे भी हैं, बेटा 6 साल का है और बेटी 4 साल की है। और इसी में जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है, दोनों बच्चों आपस में खेल रहे थे, हमने बात की तो 4 साल की बच्ची बोली माँ चुड़ैल बन गई, भूतनी बन गई, पापा को गर्दन दबाकर मार डाला, दीवार पर खून लगा था। 6 साल का बेटा की माँ ने बताया कि उसके पापा मर गए, मोबाइल को लॉकर में छुपा कर रखती थी और कई घंटों तक भोला चाचा से बात करती थी। हरिप्रसाद बोले कि मेरे इकलौते बेटे को मार दिया, अगर वह भोला से प्यार करती तो चली आती, हम उसे रोकते नहीं, उसने मेरा घर उजाड़ दिया और उससे सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। पति पत्नी में 14 साल का भी अंतर था। वहाँ की पुलिस ने बताया कि पुलिस कस्टडी में रखने के बाद भी जब पवन ने बताया कि पवन 27 साल का और रीमा 23 साल की में 14 साल का भी अंतर था। शादी में वक्त रीमा की उम्र 16 और पवन की 30 थी। भागेंद्र 27 साल का है और उसके भी एक बच्चा है। भागेंद्र और उसकी पत्नी के बीच भी आए दिन झगड़े होते रहते थे। भागेंद्र दिल्ली में और उसकी पत्नी गांव में रहती थी। उम्र कैद भी हो सकती है उन्हें। चिकित्सा पुलिस कोर्ट में चार्जशीट पेश करेगी। चार्जशीट पेश करने के लिए 90 दिन का समय होता है। पुलिस कोर्ट ने मर्डर संबंधित सारे सबूत पेश करेगी। इसके बाद कोर्ट में गवाह के बयान कराए जाएंगे। एसएचओ विनोद मीना का कहना है कि उसके पास अहम सबूत है। पुलिस के सबूतों और गवाहों के बयान पर आधार पर कोर्ट आरोपियों के 10 साल से अधिक की सजा और या फिर आजीवन कारावास सुना सकती है। और एक और खबर सामने आ रही है कि 6 महीने से गायब युवक 17 हड्डियां मिली। पत्नी और प्रेमी ने गला दबाकर मार डाला, बोरे में बांधकर शव फेंक दिया। दिल्ली में श्रद्धा मर्डर केस जैसी दरिंदगी राजस्थान में भी सामने आई है। भरतपुर में 6 महीने से गायब युवक की 17 हड्डियां उसके घर के पास ही स्थित नहर में मिली। युवक की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही पत्नी और उसके प्रेमी ने कर दी। दोनों ने युवक के शव को बोरे में बांधकर शमशान के पास कचरे से भरी नहर में फेंक दिया। 6 महीने के बाद महिला पुलिस और परिवार को गुमराह करते रही। जब घर में खून से सनसनी रजाई मिली तब परिवार वालों ने शक हुआ। पुलिस ने जब कड़ी से पूछताछ करी तब मामले का पूरा खुलासा हुआ। नहर में युवक की 17 हड्डियां बरामद हुई। ऐसी ही खबरें फिर लेकर आएंगे इसी समय इसी जगह। तब तक के लिए देखते रहिए मिनिस्टर साहब की खास पेशकश देश की दशा और दिशा। नमस्कार।